स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज कैबिनेट का एक अप्रूवल आया है और वो अप्रूवल आया है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। और इस अप्रूवल में ये कहा गया है कि अब इंडिया में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA का गठन किया जाएगा, जो आगे आने वाले समय पे हमारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएंगे। तो क्या है NRA और वो जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाने वाले हैं, वो किस तरीके से हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, इस चीज को लेकर आपके मन में डाउट चल रहे होंगे, वो सभी के सभी डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। देन उसके बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कुछ 6 से 7 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा और उन 6 से 7 पॉइंट में कोशिश करूंगा कि NRA और CET के बारे में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी के सभी क्लियर हो जाए। एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जो NRA है, जो कि जिस एजेंसी का गठन किया जाएगा, वो हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे 2021 से, 2021 से यानी कि अगले साल से। तो 2020 के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, उन एग्जाम्स में किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा, वो पिछले वाले पैटर्न्स पे ही होंगे, यानी कि अभी तक जिस पैटर्न पे हो रहे थे वो उसी पैटर्न पे होने वाले। जो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारा लागू होगा वो 2021 से लागू होगा, 2021 से। तो आप देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया, किस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे और कौन कौन से एग्जाम इस CET के अंडर आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज भी जानना। तो 3 हमारे ऐसे एजेंसीज हैं जिनको इसके अंडर रखा गया है। सबसे पहला है SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC के जितने भी एग्जाम्स होते थे अब वो CET के अंडर होंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के जितने भी एग्जाम्स होते थे अब वो CET के अंडर होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS के अब जितने भी एग्जाम्स होते थे वो CET के अंडर होंगे। लेकिन बहुत सी चीजें अभी आपको जानना बाकी है CET के बारे में, क्योंकि 2 तरीके से CET वर्क करेगा आपके। देखिए, अभी तक आपके प्री एग्जाम्स होते थे और उसके बाद में आपका मेन्स एग्जामिनेशन होता था, और अगर आपने PO के लिए अप्लाई किया है या ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका इंटरव्यू भी होता था। तो आपका जो CET वर्क करेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम तक वर्क करने वाला है। प्री एग्जाम तक आपका CET वर्क करेगा, मेंस एग्जामिनेशन और जो इंटरव्यू होंगे वो सेम ऑर्गेनाइजेशंस लेंगी जो कि पहले आपके एग्जाम्स ले रही थी। लाइक अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो IBPS के PO के जो एग्जाम्स होंगे नेक्स्ट ईयर, वो आपके प्री एग्जाम्स जो है वो CET के अंडर होंगे, और जो आपके मेंस एग्जामिनेशन और जो इंटरव्यू है वो आपके IBPS ही कंडक्ट करवाएंगे। तो ये चीज का डाउट आपको नहीं रखना है। ये जो CET आपके लिए लागू हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्री एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बेहतर डिटेल से हम लोग देख लेते हैं, ये कुछ 7 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहला, NRA विल कंडक्ट द Tier 1 एग्जामिनेशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका नाम रखा गया है, इस चीज को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड पॉइंट है, अ सिंगल एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर IBPS, SSC एंड RRB इनिशियली। पहले तो ये 3 ही ऑर्गेनाइजेशन है जिनके जो प्री एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे CET के। बाद में जितने भी और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना स्टेट लेवल के, वो भी अब धीरे धीरे CET के अंडर आना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, द CET स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एंड विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स एज वेल एज द रिक्रूटिंग एजेंसी। यानी कि आप जो CET का एग्जाम देने वाले हो वो आपके जो मार्क्स होंगे ना वो 3 साल तक आपके मार्क्स वैलिड रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अब आपके डाउट्स जो थे वो मेरे पास आना स्टार्ट हुए थे कि सर, अगर हमने एक बार एग्जाम दे दिया और मान लीजिए कि हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हमें क्या 3 साल तक वेट करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साल में आपके 2 बार एग्जाम्स होंगे, साल में हर 6 महीने में आपका एक बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है तो आप साल में दोनों बार एग्जाम दे सकते हो अपने मार्क्स को अच्छा करने के लिए। जितने अच्छे मार्क्स आपके होंगे ना वही वाले मार्क्स काउंट किए जाएंगे। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी एक एग्जाम में आपके 80 मार्क्स आए थे CET में, और जब आपने नेक्स्ट टाइम एग्जाम दिया तो उसमें आपके 90 मार्क्स आ गए तो 90 वाला ही कंसिडर किया जाएगा। या फिर अगर आपके पहले 90 मार्क्स आ गए थे और फिर आपने एग्जाम दिया और फिर आपके 80 मार्क्स आ गए, तभी भी आपका 90 वाला ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि जिस भी CET एग्जाम में आपके ज्यादा मार्क्स आए हैं वही मार्क्स आपके रखे जाएंगे अगले 3 साल तक। ठीक है, ये डाउट अब आपका नहीं रहना चाहिए। प्री एग्जाम तक ही आपका जो CET है वो वर्क करेगा, मेंस एग्जामिनेशन और जो इंटरव्यू होंगे वो पुराने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वही कंडक्ट करवाने वाले हैं। फिर लिखा हुआ है कि ईच कैंडिडेट विल हैव 2 एडिशनल चांसेस टू इम्प्रूव हिज और हर स्कोर्स एंड द बेस्ट स्कोर्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 1 साल में 2 बार आपको चांस मिलेगा, जितने भी अच्छे मार्क्स होंगे वही आपके कंसिडर किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा कि एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट 1 एग्जाम सेंटर। इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा। हालांकि स्टार्टिंग में यहाँ पे टोटल 117 पे बात हुई है, लेकिन धीरे धीरे अब ये पूरे के पूरे इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो जो भी लोग प्री एग्जाम के लिए ट्रैवल करते थे ना, अब उन्हें ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब वो वाला जो आपका डाउट रहता था ना कि सर ट्रांसपोर्टेशन चालू नहीं है तो हम लोग दूसरी जगह पे एग्जाम देने किस तरीके से जाएंगे, तो अब उस चीज से आपको बिल्कुल यहाँ पे अच्छे तरीके से सिचुएशन इस तरीके से आपके सामने क्रिएट कर दी कि अब आपको छुटकारा मिल गया उस चीज से कि आपको दूसरी जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके ही डिस्ट्रिक्ट में बना दिया जाएगा। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे ये लगा। फिर लिखा हुआ है कि सेपरेट सीईटी विल बी हेल्ड फॉर ग्रेजुएशन हायर सेकेंडरी एंड क्लास 10th लेवल। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना नंबर 6 का, इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि जो सीईटी होने वाला है ना वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग होगा, हायर सेकेंडरी के लिए अलग होगा और क्लास 10th के लिए अलग होने वाला है। मान लीजिए कि आप एसएससी का एग्जाम देते थे, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पे वर्क करते हैं। एसएससी का मान लीजिए आप एग्जाम देते थे तो अब एसएससी के आपको 3 एग्जाम्स देने पड़ते थे। आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम होता था, आपका 10+2 यानी कि एलडीसी जिसको बोलते थे वो भी एग्जाम होता था, और आपका एक 10th क्लास के स्टैंडर्ड पे बेस्ड भी आपका एग्जाम होता था। तो आप जिस भी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर पा रहे हो उस क्राइटेरिया का आप एग्जामिनेशन यहाँ पे दे पाओगे। लाइक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप ग्रेजुएशन वाले एग्जाम्स दे पाओगे, साथ में 10+2 वाले भी दे पाओगे, है ना, उसके लिए अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में, तो आप 10+2 वाला एग्जामिनेशन के लिए क्या रहोगे, अप्लाई कर पाओगे और 10+2 वाले ही दे पाओगे, फिर आप ग्रेजुएशन वाले एग्जाम नहीं दे पाओगे। और अगर आप 10th पास हो तो आप फिर 10th लेवल तक के ही दे पाओगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो और आपने सीईटी पास किया है तो आप 10+2 और ग्रेजुएशन तीनों के लिए क्या हो गए हो, यहाँ पे एलिजिबल हो गए हो। तो ये चीज का डाउट भी अब आपको नहीं रहना चाहिए। देन उसके बाद में देयर विल बी अ कॉमन सिलेबस फॉर द सीईटी। अब देखो सिलेबस वाला जो डाउट है ना वो बहुत ज्यादा आने वाला है यहाँ पे, और बहुत बार मुझसे पूछा भी गया है आज के वीडियोज के कॉमेंट सेक्शन में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि सर सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं और एसएससी एग्जाम्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े से अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिलेबस, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स में ना एडवांस मैथ आता है। मैं मैथमेटिक्स को एज एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है, यहाँ पे ज्योमेट्री पूछा जाता है, जो बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को गठित किया गया है। अभी क्या होगा, अभी सभी लोग वहां पे इकट्ठा होकर सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिलेबस को बनाया जाए कि रेलवे के एग्जाम्स के स्टूडेंट, एसएससी के एग्जाम्स के स्टूडेंट और बैंक एग्जाम्स के स्टूडेंट जो है वो सभी एग्जामिनेशन जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हो पाए और सभी उस सिलेबस को कवर कर पाए। तो सिलेबस अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ है, और एज का जो क्राइटेरिया रहेगा मेरे ख्याल से वो सेम रहेगा जो पहले था, और उसके बाद के जितने भी आपके डाउट्स थे वो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कंप्लीट कवर कर दिए हैं। ये 7 पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है सीईटी के बारे में। सबसे पहले तो आप अपने जो 2020 के एग्जाम्स होने वाले हैं ना उनके ऊपर फोकस करके चलो, क्योंकि वो पुराने वाले पैटर्न पे ही होने वाले हैं, और अगर आप इसी एग्जाम में सिलेक्शन ले लोगे तो फिर सीईटी की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सभी चीजें मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दी। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं वहां पे आपका आंसर कर दूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।